गुड मॉर्निंग बच्चों, भाषामणि हिंदी पाठमाला। अब हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और आज की हमारी मात्रा है बच्चों, पिछले सप्ताह हमने छोटी की मात्रा सीखी थी, आज हमारी मात्रा है ई, बड़ी की। ये देखिए, बड़ी से क्या होता है? आपको भी पता है बड़ी से क्या होता है? ये क्या है? ईग। बड़ी से क्या होता है? ईख। ठीक है, तो ये पुस्तक अभ्यास कार्य बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें पाठ भी है, देखो इसमें एक्सरसाइज भी है, पाठ भी है। याद रखना नानी की बात, ये पाठ हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें सीखना है कि ई की मात्रा किस तरह से लगेगी। ये है बड़ी ई से ईख। इसकी मात्रा कोई भी शब्द अक्षर है उसके हम बाद में लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा हमने कैसे लगाई थी? अक्षर से पहले लगाई थी। अब बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद लगाते हैं। तो चलो इन्हें हम व्यंजन पर लगा के पढ़ेंगे और इनका उच्चारण कैसे करेंगे हम वो समझते हैं। तो बड़ी से ईख समझा बच्चों आपने? अभी मैं आपको सभी व्यंजन पर इस मात्रा को लगाकर और उच्चारित करके बताऊंगी कि ये किस तरह से लगेगी। इसे आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। ये देखिए, अब हमारे कुछ व्यंजन लिखते हैं। पहले हम यहाँ डाल लेते हैं कि हमारी मात्रा क्या है, ई। ठीक है, अब जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, जो खाली शब्द होते हैं बच्चों उन्हें हम नहीं लिखेंगे। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, और ये न, प, फ, ब, भ, म। अब तो हमारा बोर्ड भर गया। चलो पहले इतने पे सीखते हैं। क, जो मात्रा है हमें उसे व्यंजन के साथ में बोलना है। क, ई, ये देखो अक्षर के बाद लगी है। क, ई, की, ख, ई, खी, ग, ई, गी, घ, ई, घी, इस तरह से। च, ई, ची, छ, ई, छी, ज, ई, जी, झ, ई, झी, इस तरह से। ट, ई, पढ़िए आप भी, टी, ठ, ई, ठी, ढ, ई, डी, ढ, ई, डी, त, ई, ती, थ, ई,
थी, द ई दी, ध ई धी, न ई नी, प ई पी। आपको अक्षर पर लगाकर इस मात्रा को उच्चारित करना है। जब आप अक्षर पर इस तरह से लगा लेंगे तो इनके शब्द भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। फ ई फी, ये दीर्घ स्वर है बच्चों, जिसे हमें लंबा खींचना पड़ता है। और देखो, ब ई बी, भ ई भी, म ई मी। अब ये य र ल, इसमें भी इसी तरह से बोलना है। ली री यी, ऐसे। तो ये समझा आपने इसको उच्चारित करने का तरीका। अब इसके बच्चों शब्द हैं, दूसरे वीडियो में मैं आपको कॉपी में इसके शब्द कैसे लिखने हैं, किस तरह से काम करना है, अभी मैं आपको इसको कॉपी में बताऊंगी। तो आपने ई की मात्रा समझी, इसे हमें थोड़ा सा जोर लगा के लंबा खींच के बोलना है। छोटी ई की मात्रा को हमने कैसे बोला था, झटके से ई, इस तरह से। इसे कैसे बोलना है, ई। इसका उच्चारण हमें थोड़ा सा खींच के बोलना है। और उस हमने छोटी ई की मात्रा को झटके से बोला था। अब कुछ शब्द हम इसमें लगा के पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपी में किस तरह से करेंगे तो हमारा कॉपी का काम भी हो जाएगा और हमारा लिखना भी हो जाएगा। जैसे देखो, दो अक्षर पे, क पे लगाई थी हमने, की लो, कील कैसे होती है, जो दीवार पे ठोंकते हैं, ये देखो ये कील, ठीक है। क ख ई खीर, क ख ग गी ला, गी ला, क ख ग घ घी, है ना, घी जो बटर से बनता है, घी। अब देखो और बनाऊं शब्द, जैसे त ई तीर, है ना। और कोई और शब्द बना लेते हैं, जैसे कि दिया, दिया कैसे होता है, दिया, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमें इन शब्दों को बनाएंगे, पहले दो अक्षर के, तीन अक्षर के, फिर चार अक्षर के, इस तरह से। अभी मैं आपको कॉपी में इनको एक एक कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी आपने इतना समझ लिया, ये बड़ी की मात्रा है, इसको हम अक्षर के बाद लगाते हैं और ई इस तरह से लंबा खींच के इसका उच्चारण करते हैं। तो ये बड़ी की मात्रा। अभी हम इसके से संबंधित जो कार्य करेंगे, पिक्चर वाले, मात्रा लगाओ, आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ये जब आप सीखेंगे तो ये मात्रा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आपने ये सीखा, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कॉपी में काम करते हैं।